Happy Diwali! आप सबको दिवाली मुबारक हो। ये तरह तरह के नृत्य को आपने देखा, इसे एक बात समझ लो कि ये जो भी थे जिन्होंने ये लिखा कहा, सब एक ही बात कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कौन सी कही कि परमात्मा एक, उन्होंने अलग अलग अवतार लिए पर परमात्मा एक, उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं। और वो इस संसार में इसलिए आते हैं कि दुष्टों का नाश करें, खराब लोगों को बर्बाद करें, और हो रहा है हर जगह मैं देखती हूं कि जो दुष्ट लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब आप लोगों का भी यही काम है कि जो दुष्ट हैं, जो परमात्मा के विरोध में काम करते हैं और पैसा कमाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, वो सब नरक में जाएंगे। हमको पता नहीं कितने नरक हैं। अभी जिस माहौल में आप बैठे हैं, जो जगह आप बैठे हैं, ये नरक से परी है, इसका संबंध नरक से कोई नहीं। लेकिन आप इसमें रहकर और अधर्म करें, गलत काम करें, तो आप भी नरक में जा सकते हैं। बहुत तरह के नरक हैं और ये नरक में जाने की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि वहां पे जाने वाले जानते नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। और जो बच जाते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं। तो इस पृथ्वी तल पे कोई जानता ही नहीं कि हमें नरक में जाना है, गलत काम करने से हम नरक में जाएंगे। और दिवाली का मतलब यही है कि जैसे बाहर दिए लगे वैसे आप लोगों में भी दिए लग जाए। और आप भी देखो इस अंधेरे दुनिया में तुम लोग दिए हो, दीपक हो, और तुम्हें प्रकाश देना। लेकिन अगर अंदर का ही प्रकाश पूरा नहीं हुआ तो आप कैसे प्रकाश दे सकते हैं, ये भी सोचो। तो पहले आप सहयोगियों को चाहिए कि पहले अंदर के प्रकाश को पूरा करें। और इसी से शायद हम इस दुनिया में आए। ईसा मसीह तक तो कोई इस मामले में बात ही नहीं करता था। आज्ञा चक्र पे वो आए और अपने को पूरी तरह से दिखा दिया कि उनमें कोई भी अहंकार नहीं था। परमात्मा के पुत्र थे पर कोई अहंकार नहीं था। उनसे पहले जो लोग हो गए वो तो थोड़े बताते थे, लेकिन ईसा मसीह ने यही चाहा कि हमारी आज्ञा चक्र ठीक हो जाए। और वो आज्ञा चक्र आपके दिल्ली में बहुत पकड़ता है। इसका कारण क्या? पहले अंग्रेज यहां रह गए
और अंग्रेजों ने हमको कमांड करना सिखाया। आप लोगों के बातचीत से पता कर सकते हैं। हमने वो भी दिन देखे हैं जब अपना देश परतंत्र था, लेकिन उस परतंत्र से आप लोग निकल आए, अब स्वतंत्रता हो गई। और स्वतंत्रता क्या है? स्व को जानना। जिसने स्व को जाना वह स्व के तंत्र को जानता है। सहयोग से आपने अपने को जाना है और आप जानते हैं कि आप तंत्र हैं और आपको स्व के तंत्र से चलना है। दिल्ली में बहुत काम हुआ है, ये तो दिखाई दे रहा है। दिल्ली से बाहर भी काम हुआ है। यहां के लोगों में जो दोष है वो तो आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अब आप स्वतंत्र हो गए तो आपको देखना चाहिए कि हम में तो ये दोष नहीं है। पहला तो दोष ये है कि आपका आज्ञा ही चक्र पकड़ रहा है। ईसा मसीह मर गए, सूली पर चढ़ गए, लेकिन उससे हम लोग सीखे नहीं। उल्टे जहां ईसाई देश है उनमें बहुत ही अहंकार, वो हम लोगों पर भी छाए हुए थे। पर सबसे बड़ी जो यहां खराबी है कि हम अभी एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। जहां तहां झगड़े, जहां तहां लड़ाई और आपस में शुद्ध मन नहीं। तो पहली चीज है कि अपने मन को शुद्ध करना है। सहयोग से सब हो सकता है, कहां से कहां लोग पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई आप हिमालय जाकर बैठे, इसी दिल्ली शहर में आप कर सकते हैं। पर आप चारों तरफ कर देखें कि अहंकारी लोग हैं बहुत ज्यादा, उनका आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल है। अब एक भगवान ने नई चीज भेजी, कैंसर। अगर आपको कैंसर हो गया है और आपका अगर आज्ञा चक्र ठीक नहीं हुआ तो वो ठीक हो ही नहीं सकता और बड़ी आफत हो जाएगी। इसलिए जिनको कैंसर हुआ है उनको तो चाहिए सहयोग लें और अपने अंदर जो अहंकार है उसे निकालें। क्योंकि जहां भी गवर्नमेंट होती है लोगों में अहंकार आ जाता है। हमारे यहां इतने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और उनके अंदर काफी अहंकार है, पर उनसे भी ज्यादा जो बाहर से आए हैं वो तो उनके नाना है और ऊपर से सब शराब पीते हैं। आप सोचिए कि ईसाई कहलाते और सब शराब पीते हैं। तो शराब पीना तो आप अपने ही खिलाफ जा रहे हैं। आप अपने आज्ञा चक्र को ही मना कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे। जिस आदमी का आज्ञा चक्र हट गया वो शराब नहीं पी सकता, कभी नहीं पी सकता। आप जहां तहां देखते हैं लोग शराब पीते हैं और उसको निकालने का कोई इलाज भी नहीं उन लोगों के पास, क्योंकि उसके ऊपर फिर वो शराब पीते हैं। तो किसी भी तरह की लत जो होती है वो अपने को गुलामी में डाल देते हैं, कोई सी भी। अभी इधर में पान की लत बहुत, उसमें तंबाकू डालेंगे, बताइए। इतने भगवान